नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। भैया, शानदार तरीके से मैच हुआ है। पंजाब ने एक धमाकेदार जीत दर्ज करी है मुंबई इंडियंस के खिलाफ, इसीलिए आज बहुत शानदार मैच हुआ है। आईपीएल निकलता जा रहा है दोस्तों। अगर आपने अभी तक बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अपनी टीम बनाइए और लाखों करोड़ों के इनाम जीत कर ले जाइए। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, बहुत शानदार मौका है, जीत कर ले जाइए। बहुत सारे लोग जीत रहे हैं, हमें मैसेज करते हैं कि हम पैसे जीत गए हैं, तो आप भी क्यों मौके को जाने दे रहे हैं। अब आते हैं मैच पर। मैच बड़ा शानदार हुआ और मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा है, लगातार दूसरी हार। पहले दिल्ली से हारे और फिर पंजाब से हार गए हैं, तो मुंबई इंडियंस अब थोड़ी सी टक्कर में आती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद तीसरी और चौथी टीम होगी क्वालिफायर करने वाली, देखने वाली बात होगी टक्कर होगी कि नहीं। लेकिन अगर आज हम मुंबई की इस हार के पांच वजह जाने कि क्या कारण रहे हैं पांच हार के, तो सबसे पहला कारण मैं मानता हूं ओपनिंग का फेल होना। क्योंकि देखिए, लगातार ओपनिंग फेल होती जा रही है। क्विंटन डिकॉक बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं, आते हैं और आउट होकर चले जाते हैं, इसलिए ओपनिंग का फेल होना आज सबसे बड़ा कारण रहा मुंबई इंडियंस का हार का। और क्विंटन डिकॉक को मैं इसका जिम्मेदार ठहराता हूं। क्विंटन डिकॉक आज 5 गेंद खेली, 3 रन बनाए और आउट होकर चलते बने। दूसरा कारण मध्यम क्रम का फेल होना, क्योंकि मध्य क्रम आज भी फेल हो गया, जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि मुंबई इंडियंस का मध्य क्रम काम नहीं कर रहा है, आज भी वही काम किया। ईशान किशन 6 रन बनाकर आउट हो गए, पोलार्ड 16 रन बनाकर आउट हो गए, हार्दिक पांड्या 1 रन बनाकर आउट हुए और कुणाल पांड्या 3 रन बनाकर आउट हुए। मतलब ये सारे के सारे बल्लेबाज जो मध्यम क्रम के एक नींव माने जाते हैं, मजबूत धुरी माने जाते हैं, सारे के सारे फेल हो गए। और इनमें अगर मैं हार का जिम्मेदार किसी को ठहराना चाहूँगा तो वो है ईशान किशन और पोलार्ड, दोनों को मैं रखना चाहूँगा। क्योंकि ईशान किशन ऊपर खेलने आए थे वन डाउन और वो फेल हो गए। मतलब लगातार फेल हो रहे हैं, लगातार पिछले मैचों से फेल हो रहे हैं, आज भी फेल हो गए, इसलिए मैं मानता हूँ कि ये हार के जिम्मेदार हैं। और दूसरा कारण था मध्यम क्रम का फेल होना। तीसरा कारण गेंदबाजों का फेल होना। और गेंदबाजों का क्या फेल होना? गेंदबाज जिन पर आप भरोसा करते हैं, ट्रेंट बोल्ट 2 ओवर 4 गेंद 30 रन दे दिए, विकेट कोई नहीं मिला। आप ओपनर गेंदबाज हैं, आप विकेट लेना चाहते हैं, आपको विकेट लेने चाहिए थे। आपको अगर मैच में वापसी करवानी थी अपनी टीम की, तो आपको विकेट लेने चाहिए थे। आपने 150 के टोटल भी 2 डिफेंड किए हैं, तो ऐसी गेंदबाजी है आपकी, लेकिन नहीं कर पाए। इसीलिए मैं मानता हूँ हार का तीसरा कारण गेंदबाजी का फेल होना, ट्रेंट बोल्ट। और नंबर चार कारण है फिर वही, मैं क्या गिनवाऊँ आपको, कुणाल पांड्या को मैं रखूंगा। बल्लेबाजी आई बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पाए, आए और आउट होकर चले गए। गेंदबाजी आई तो 10 के औसत से रन दे दिए, 3 ओवर में 31 रन, विकेट कोई नहीं मिला। तो इसीलिए मैं मानता हूँ हार का चौथा जो विलन है वो कुणाल पांड्या, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पांचवा सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी माने जाते थे, लेकिन अब वो मेरे हार के पांचवें कारण बन गए हैं, किरण पोलार्ड। पोलार्ड बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल आते हैं 10-12 रन बनाते हैं और चले जाते हैं, और जब गेंदबाजी का नंबर आता है तो 1 ओवर उनको मिलता है, उसमें भी रन देकर चले जाते हैं, विकेट कोई नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए हार का पांचवा कारण किरण पोलार्ड। तो ये मेरी हार के पांच कारण थे। आपको क्या लगता है कि आज मुंबई की हार के पांच कारण कौन से हो सकते हैं, आप हमें बताइए। साथ ही अगर आपने अभी तक बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो भैया देर मत करिए, बिल्कुल भी बहुत देर करते जा रहे हैं आप, देर मत करिए, बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करिए, अपनी टीम बनाइए और घर बैठे लाखों करोड़ों रुपए जीतने का मौका है उसको पाइए। और सबसे बड़ी बात है, इस ऐप में खास फीचर है। इस ऐप में क्या खास फीचर है कि अगर आप पहले इनिंग में नहीं बना पाते हैं टीम, तो दूसरी इनिंग में टीम बनाइए और घर बैठे लाखों करोड़ों रुपए के इनाम जीत के ले जाइए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम आईपीएल से जुड़ी जो भी इंटरेस्टिंग खबर आपके लिए लाएंगे वो आप तक पहुंच जाए।